तो पावर बीआई में जब हम कोई डैशबोर्ड बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं किस पे? डेस्कटॉप वर्जन पे। आपके सामने दिख रहा है ये डेस्कटॉप वर्जन, राइट? तो डेस्कटॉप वर्जन में रिपोर्ट बना। अब किसी को अगर भेजना हो तो सिंपली उसको हम सेव एज करके ये फाइल भेज देंगे, बट सामने वाले के पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, राइट? और उसको डेस्कटॉप पे भी ओपन कर पाए। बट पावर बीआई जो है वो सिर्फ इसके लिए नहीं है, डेस्कटॉप के लिए सिर्फ नहीं है। पावर बीआई के यूज मोस्टली होता है वेब कंसोल में। किसके लिए? वेब वेलकम सर। कंसोल के लिए, राइट? जी तो अगर मैं रिपोर्ट बना लिया तो अपने इंटरनेट पे कैसे भेजेंगे? तो यहां पब्लिश दिखेगा, पब्लिश पे क्लिक करके भेज सकते हैं। बट ध्यान रखेंगे कि पब्लिश क्लिक करने से पहले आपका पावर बीआई लॉगिन होना चाहिए, पावर बीआई की आईडी जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दी है, ठीक है? और सेकेंड थिंग, आपके पीसी में इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। दो चीज पहले चेक कर, आफ्टर दैट हम यहां पब्लिश पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? पब्लिश पे, ठीक है? जैसे पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही आप अपना चूज कर लीजिए कि मुझे कहाँ ले जाना, किस फोल्डर में। ये फोल्डर में रिपोर्ट है, इसमें लेके मैंने इसको सब ए कर दिया। क्या कर दिया? सिलेक्ट कर, ठीक है? और थोड़ी देर में ये देखिए अपलोडिंग चालू। अब कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम और आपकी फाइल साइज के ऊपर, इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो देखिए यहां पे सक्सेस दिखा दिया। अब आपको अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन कर, क्या करना है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहां आपको लिखना है app.powerbi.com, app.powerbi.com। इसको जैसे लॉगिन करेंगे आपको लॉगिन मांगेगा। अगर लॉगिन नहीं है, अगर लॉगिन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको मांगेगा, ठीक है? लॉगिन हो गया। अब जो रिपोर्ट आपने अपलोड किया वो देखना है, तो आपको अपने फोल्डर में जाना होगा। यहाँ पे देखिए वर्क स्पेस जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे माई वर्क स्पेस, रिपोर्ट्स और भी तीन चीजें, 16 तीनों है। यहाँ पे मैंने रिपोर्ट्स पे क्लिक, इसमें क्लिक किया रिपोर्ट्स, ठीक है? अब रिपोर्ट्स पे आगे यहाँ पे क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सारे रिपोर्ट्स आ गए। यहाँ एचआर वाला दिख रहा है, बेचार दो बार, एक बार जो यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब हुआ डेटा का। क्या हुआ? डेटा का। और इसके ऊपर जो दिख रहा है, इसमें चार बार चार्ट दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका जी रिपोर्ट हुआ, ठीक है? अब मैं इसको इस एचआर वाले पे क्लिक करूंगा तो कुछ रिपोर्ट इस तरह से दिख जाए, ठीक है? अब ये सामने रिपोर्ट दिख रहा है। अब इस पे मान लीजिए किसी तरह का चेंजिंग करना, तो जनरली लोग क्या करते हैं, यहां पे चेंज करके पब्लिश करते हैं फिर ओपन करते हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप यही पे ऊपर दिख रहा है एडिट, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप रिपोर्ट्स के अंदर जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। बट आप क्या नहीं कर सकते, आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी सब करें, ठीक है? सुना सर आपको? जैसे मान लीजिए मुझे ये जो चार्ट दिख रहा है ना, इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट करके मैं चाहता हूं इस पे गद चार्ट, तो गद चार्ट लिया। गद चार्ट के ऊपर मैंने मान लीजिए यहां पे सीटीसी रहा है,
ठीक है। उसके अलावा यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। जनरल पे गए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इफेक्ट जो है यहाँ से हटा दूँ, साइड ऑन कर दूँ, ठीक है। तो चेंजिंग कर सकते हैं। चेंज करने के बाद इसको यहां से फाइल में सेव कर, क्या कर दो, सेव। ये आपकी सेव। अब ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन जो सेटिंग चेंज करते हैं वो आपका ऑफलाइन जो डेस्कटॉप वर्जन है उस पे चेंज नहीं होगा। देखिए मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो रिफ्रेश करने से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरा चेंज हो जाए, अगर रीओपन करूँ तो चेंज हो जाएगा, नहीं इसी। हाँ लेकिन मैं यहां चेंज करके पब्लिश करूं तो मेरा ऑनलाइन तो चेंज हुआ, ठीक है। सबको हाँ अभी दी जो शेयर आप उसको करेंगे उसमें देखा, अभी शेयर किसी को नहीं किया ना मैं अभी तक, जी, एंड वो लोग भी चेंज कर सकते। नहीं। ओके तो यहां पे और क्या क्या, आप अगर इसको एडिट मोड में रखे हुए हो तो यहां पे कई चीजें निकलेगी मिलेगी आप, जैसे यहां पे सेव एज कर सकते हो, इसकी कॉपी बना सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, एम्बेड सिक्योरली आप किसी वेबसाइट पे इसकी एक लिंक या कुछ ऐसा जनरेट कर सकते हो, तो कॉपी कीजिए ओके और कहीं भी लिंक भेज दीजिए, लेकिन उसको लॉग इन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाएगा, ठीक है। जी सो देखने के लिए लॉग इन करना। ओके एम्बेड यहाँ पे एम्बेड इज शेयर शेयर पॉइंट आउट ऑनलाइन, तो शेयर पॉइंट है ही, मैं बता देता आपको मैं। पब्लिश ऑन वेब, जो पब्लिश ऑन वेब है ना इसको कंटिन्यू कीजिए, पब्लिश कीजिए। अब इसको किसी को भी शेयर कीजिएगा तो उसको जो है आपका सिस्टम पे ना, देखिए आता है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, जी एम्बेड जी हाँ एम्बेड ए पब्लिक हो गया, कोई भी देख सकता है इस लिंक, जो इस लिंक को एक्सेस करेगा वो इसको देखेगा। जी, और ये एक्सेस कर सकता है सर, ये मतलब चेंजेस करके। हाँ अगर आप कोई चेंज करते हो तो यहाँ अपडेट हो जाता है, लेकिन अपडेट का आप प्रो वर्जन है तो लाइव हो जाएगा, फ्री वर्जन है तो उसका एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में है। ओके अब जैसे कि अक्सर अपने को पिछले साल का देखा है नॉर्मल, तो इसमें अच्छा वो स्लाइसर 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 फिल्टर से वर्क करेगा। मैं डेटा अपडेट करने की बात कर रही हूँ, 2021 किया, 2021 का रिपोर्ट आ गया, 2022 किया, 2022 का आ गया। ये मतलब नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं हाँ सर। मोबाइल पे क्लिक किया वहां, ओके मैं दूसरे ब्राउजर पे हूँ तो मैं नॉर्मल ही हूँ, नहीं, मतलब अपन किसी को शेयर किए तो और लोग इसी। के हाँ शेयर किए तो इसमें। मैं दूसरे ब्राउजर पे हूँ, मैं लॉग इन नहीं किया इसमें, ओके ओके कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है। ओके ओके यहां से रिपोर्ट इन पावर पॉइंट आप इस पे क्लिक करिएगा, लाइव चाहिए टेम चाहिए एक्सपोर्ट कीजिएगा तो पावर पॉइंट में आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लाइव होगा तो लाइव भी हो सकता है और कॉपी पेस्ट कर देंगे, मतलब सिस्टम जो होगा वो भी हो जाएगा, बट वो लाइव कीजिएगा तो क्या होगा, आपका लॉग इन लाइव जाएगा। मांगेगा, लॉग इन कीजिएगा तभी वर्क करेगा, तो भाई वर्क नहीं करेगा, सो ओके 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 लॉग इन करना राइट, जी। नहीं विदाउट इसमें। सर, इसको पीडीएफ में करना चाहे पीडीएफ हो जाएगा, या इसी फाइल को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड हो, ठीक है। तो ये उसके बाद पीडीएफ एंड डाउनलोड के इसमें कुछ चेंजेस नहीं देख सकते हो कि नहीं नहीं जो जो है वही नहीं। जी जी बिल्कुल। अब इसमें कुछ सेटिंग्स है, जैसे फिट फिट टू पेज, तो क्या करेगा कि पेज जितना बड़ा होगा उसमें फिट टू पेज हो जाएगा, फिट टू विड्थ, विड्थ वाइज पेस्ट हो जाएगा, इसको स्क्रॉलिंग रहेगी बट विड्थ वाइज पेस्ट हो जाएगा, विड्थ कर दिया ना, अब क्या ओके होगा कि हो जाएगा, एक्चुअल साइज करेंगे तो एक्चुअल साइज हो जाएगा, ठीक है ना। कलर कंट्रास्ट में हाई हाई कंट्रास्ट कर देंगे तो पूरा कलर हाई कंट्रास्ट में आ गया ना। जी यहाँ पे मैं नन कर दूं तो फिर नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। जी उसके बाद सो ग्रिड लाइन, सो ग्रिड लॉक ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पेन,
बुकमार्क पेन ये सब चीजें दिखेगा आपको, को पैलेट पेन सब दिखेगा, बस अनेबल करना होता है। रीडिंग व्यू में क्लिक करेंगे, क्या बोले को पैलेट AI है, उसको बाय करना पड़ेगा यूज करने से पहले, ठीक है ना। वैसे एडिट मोड, हाँ यहाँ देखो अब इसे व्यू मोड में है, अभी व्यू मोड में, अभी एडिट मोड में है ना, मुझे व्यू मोड में चाहिए, व्यू मैन में चला जाओ। और व्यू मोड में कुछ चीजें हैं, जो फाइल पे आए तो यहाँ से एम्बेड कर सकते हैं ऑनलाइन, शेयर पॉइंट ऑनलाइन यहाँ भी कर सकते हैं, QR कोड जनरेट कर सकते हैं, बट QR कोड आपको वही देख पाएगा जिसके पास वेब वर्जन इसका क्या बोलते हैं पावर बी आई की लॉग इन ऐप हो, ठीक है ना। ऐप नहीं है तो नहीं करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके बाद एक्सपोर्ट हो गया, इसको एनालाइज एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक्सेल में चला जाएगा, लेकिन एक्सेल में भी आपको अपने आईडी से लॉग इन करना पड़ेगा तभी दिखेगा, तो पर नहीं दिखेगा। पावर पॉइंट में करेंगे सेम पावर पॉइंट PDF से PDF को, उसके बाद शेयर, अब ये फाइल किसी को शेयर करना चाहते तो यहां से शेयर कर सकते, यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए और शेयर कीजिए, जिसकी ईमेल आईडी डालेंगे मतलब कि OID पावर बी आईडी डालेंगे वही इस रिपोर्ट को देख पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं। लिंक बना के भेज सकते हैं, मेल पे भेज सकते हैं, टीम से भेज सकते हैं, पावर बी आई भेज सकते हैं, पर पावर बी आई आईडी चाहिए होगा। विदाउट पावर बी आईडी दो केस में ही देखा जा सकता है, एक तो PDF में और दूसरा एंडेड एम्बेड इन पब्लिक लिंक, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे इस डेटा पे कुछ और एक्सप्लोर करना है तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलग रिपोर्ट बन के आ गए, प्रीव्यू रिपोर्ट, दिख रहा है ना। यहाँ पे हम पिवट की तरह यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे डिपार्टमेंट वाइज CTC चाहिए, आ गया जी। इस तरह से बना सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं या भाई डिस्कस कर ओके सकते, मतलब नहीं समझे कि एक रिपोर्ट बना हुआ है आपका, ठीक है ना। अब कुछ चीजें इसमें नहीं है तो बॉस ने बोला कि एक काम करो, मुझे इस डैशबोर्ड जो आपने बनाया है ना, मुझे इसे बता दो किस डिपार्टमेंट का कितना CTC है। सिंपल सा डिपार्टमेंट भाई CTC चाहिए जो कि इसमें नहीं है, नहीं है ना जी। तो मैं इस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, बॉस ने केजुअली पूछ दिया है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, फिक्स नहीं किया ना, ऐसा नहीं बोला है कि रिपोर्ट में रखना चाहिए, बोले वो जानने की जागरूकता है। तो क्या करेंगे आप, एक्सप्लोर दिस डेटा पे क्लिक करके अपनी रिपोर्ट बना के उसको शेयर कर देंगे, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है क्रिएट। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास, मैं कहीं और किसी और PC पे बैठा हूं, ठीक है ना, मेरे इस PC में डेस्कटॉप वर्जन नहीं है, तो मैं डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करूं फिर बनाऊं, या मोबाइल फोन पे ही हूं मान लीजिए, तो मैं रिपोर्ट ऑनलाइन भी बना सकता हूं, क्या बना सकता हूं ऑनलाइन भी। अब यहां पे डेटा आप एक्सेल से ले सकते हैं, बट एक्सेल से डेटा लेने के पास आपके पास यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल जो दिख रहा है ना, जब मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे अकाउंट नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्रो वर्जन नहीं है। लिंक टू फाइल के लिए आप यहाँ पे अपना फाइल लिंक कर सकते हैं, लेकिन वन ड्राइव से, किससे, वन ड्राइव, समझे। अदरवाइज यहां हम कैंसिल करते हैं, CSV से ले सकते हैं, तो वही सेम यहां भी वही है कि आप वन ड्राइव से करिए, अपलोड करें टेक्स्ट CSV फाइल। लेकिन मान लीजिए कि अभी फिलहाल फिलहाल मेरे पास प्रो वर्जन नहीं है, तो यहां आता है कॉपी पेस्ट, आप यही पे डायरेक्ट डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि पावर BI में जब कॉपी पेस्ट करते थे तो लिमिट था, बट यहां कोई लिमिट नहीं है, यहां क्या नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कीजिए और यूज डेटा फर्स्ट रो एज ए हेडर पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे ऐसे और भी होता है, यहाँ टेबल का नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं अनस,
और यहाँ पे देखिए एक और फीचर है, क्रिएट ब्लैंक रिपोर्ट, क्रिएट सिंथेटिक मॉडल ओनली, या फिर आउटर रिपोर्ट। क्रिएट ब्लैंक में ब्लैंक देगा जहां आपको खुद बनाना है, ये सिर्फ डेटा क्रिएट कर देगा। ऑटो जी रिपोर्ट जनरेट में एक और फीचर है, जब इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो कुछ देर में ये ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड बना देगा आपके लिए, जो उसको समझ में आएगा। देखिए तो ये बन गया, रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर थोड़ा देर वेट करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा। आ गया सर, ओके ठीक है। इसके अलावा इसको आप अगर चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसको जो चाहे एडिट पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, सेव करके आ गया आपको, लीजिए तो चेंज करना है कर लीजिए। जैसे मुझे मुझे इसको ये चाहिए और ए वाइज चाहिए, विजुलाइजेशन नहीं है। हाँ ये समरी भी लिख देता हूँ सर, हाँ समरी भी लिख देता है लिख नीचे। दिया ना, देखिए लिख दिया मुझे। इस पर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ इसको करना है इसमें कॉलम चार्ट, हो गया। इसको मुझे मान लो पाई चार्ट में करना है, बोलिए हो गया पाई चार्ट, डोनट चार्ट, या लाइन चार्ट करना है तो लाइन चार्ट, या कुछ और चार्ट करना है कर सकते हैं आप। जैसे इसको मुझे ले जाना है, इस पे मत क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए इस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए क्लिक करिएगा ना, इस पे कीजिएगा क्लिक तो आएगा वहाँ पे, ठीक है। जी मुझे इसको चाहिए मान लीजिए इसमें लाइन कॉलम चार्ट में चाहिए, क्लिक कीजिए कॉलम चार्ट आ गया। इसकी फॉर्मेटिंग कॉलम चार्ट की कलर चेंज करनी है, कॉलम्स कलर ब्लू की जगह पे मुझे मान लीजिए कुछ और चाहिए, कुछ रेड चाहिए, ठीक है। देन इसको सेव कर दीजिए, जी तो वेब कंसोल हमारा हो चुका है।